अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल न्यू टॉपिक टीवी। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा आप पीआई नेटवर्क का अकाउंट किस तरह बना सकते हैं और इसके कुछ बेसिक के बारे में बताऊँगा पीआई नेटवर्क है क्या चीज़ और इसको आप यूज़ करके आप कितना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सारी की सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल न्यू टॉपिक टीवी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से हमारे चैनल न्यू टॉपिक टीवी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आपको यह बात बताते चलें कि पीआई नेटवर्क है क्या चीज। आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे बिटकॉइन है, एथीरियम है, इसी तरह और भी बहुत सारी करेंसीज हैं। ये डिजिटल करेंसीज होती हैं, इनको आप पाकिस्तान में ये लीगल नहीं है, इलीगल है, इसको आप डायरेक्ट किसी भी जगह से निकलवा नहीं सकते। इसको निकलवाने के लिए सबसे पहले आपको कॉइनबेस का अकाउंट बनाना होता है, उसके बाद आपको कैश माल का अकाउंट बनाना लाजमी होता है। इन दोनों पर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ, कैश माल का अकाउंट किस तरह बनता है, बिटकॉइन का अकाउंट किस तरह बनता है, इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उन वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको देखकर बिटकॉइन और कॉइनबेस भी उसको बोलते हैं, बिटकॉइन का अकाउंट आप बना सकते हैं कॉइनबेस का, और उसके बाद आप कैश माल का भी अकाउंट बना सकते हैं। पहले आपको करेंसी डिजिटल जितनी भी करेंसी हैं कॉइनबेस में लेनी होती हैं, उसके बाद आप करते हैं जी कैश माल में, इसको ट्रांसफ़र करते हैं कैश माल से, ईजी पैसा जैज़ कैश के ज़रिए आप इसको निकलवा सकते हैं, डायरेक्ट आप किसी भी बैंक के थ्रू इसको नहीं निकलवा सकते। अब आप लोगों को बताते चलें कि पाई नेटवर्क है क्या चीज़। देखिए पाई नेटवर्क एक डिजिटल करेंसी है, जिस तरह बिटकॉइन शुरू शुरू में आया था तो 2007 में ये बिटकॉइन आया था, उस वक्त इसकी इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं थी। अब अगर आप बिटकॉइन की कीमत चेक करें, पाकिस्तानी रुपीज़ में चेक करें, तो परसों मैंने चेक किया था 56 लाख रुपए थी। अभी भी मैं आप लोगों को चेक करके बता दूंगा कितनी है। तो गूगल पर जाते हैं, जाकर आपको बताते हैं कि इसकी एक बिटकॉइन की कीमत क्या है जी। एक बिटकॉइन पीकेआर यहां पे आ चुकी है, ये देख सकते हैं तकरीबन 60 लाख तक पहुंचने वाली है एक बिटकॉइन की कीमत पाकिस्तानी रुपीज़ में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जी पाई जो पीआई नेटवर्क है, प्राइस इसकी पाकिस्तानी रुपीज़ में कितनी है, अभी इसकी जो प्राइस है वो 3 रुपये है। जब शुरू शुरू में बिटकॉइन आया था उस वक्त इसकी भी कीमत इसी तरह थी, 2-3 रुपये थी। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं ये कहां पर पहुंच चुका है। पहले ये भी फ्री में लोगों को मिला था, उस वक्त लोगों ने लाइटली लिया। जैसे मैंने अभी इस एप्लीकेशन के बारे में मुझे 6 मंथ पहले का पता है, 6 मंथ पहले भी मैंने एक वीडियो देखी थी, उस वक्त का मुझे पता है, लेकिन मैंने इसको लाइटली लिया, इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाई, इसको मैंने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, मतलब पहले ज्वाइन नहीं किया होता, तकरीबन 10-12 दिन हुए हैं मैंने इसको ज्वाइन किया है। तो आप किस तरह अकाउंट बना सकते हैं, वीडियो लंबी हो रही है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले तो मेरे पास ये देख सकते हैं यहाँ पर पी आई एप्लीकेशन पहले से मौजूद है, इस पर मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहां से इसका क्लोन बना लेता हूं और एक और नंबर पे अपना अकाउंट बनाता हूं, एक और अकाउंट बनाता हूं। तो मैं यही कहूंगा कि आप एक मोबाइल में एक ही पीआई नेटवर्क ज्वाइन करें, एक ही एप्लीकेशन को डालकर उससे करें, क्योंकि क्लोन अगर बनाएंगे तो आपको आगे चल के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे मेरे पास एक क्लोन एप्लीकेशन है, वो मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे नज़र नहीं आ रही, ये देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ से पीआई नेटवर्क का क्लोन बना लेता हूँ। वीडियो लंबी हो रही है, आपने टेंशन नहीं लेनी, सारी चीज़ें तफसील के साथ समझाने का मकसद ये है कि आपको पता चल सके किस तरह इसके फ़ायदे क्या हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर मेरे पास ऐड आ चुका है, इसको बीच में से मुझे मतलब ब्लर करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं। ये देखें जब आप इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे देखें ऊपर लिखा हुआ है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग मेड इजी, तो
तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद फ़ोन नंबर। तो मैं यही कहूँगा आप उस फ़ोन नंबर से करें जिस पर आपकी जो फेसबुक है बनी हुई है। तो उससे मैं यहाँ से अपना नंबर है मैं इससे कर लेता हूँ। यहाँ से आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ से अपनी कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं आप लोगों के सामने पाकिस्तान को सेलेक्ट करता हूँ, पाकिस्तान को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं अपना नंबर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना नंबर लिख लिया है और साथ ही में गो का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ी सी देर आपने वेट करना है, जैसे ही कोई ऑप्शन आता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है जी पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड। तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखें, कोई भी आप लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से चूज़ करें। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड लिख लिया है, सबमिट में मैं क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने ये ऑप्शन आ गए हैं, फर्स्ट नेम आपने लिखना है, इसमें आपने कोई भी गलती नहीं करनी, ठीक है। आपने यहाँ पे जो अपना ओरिजिनल नेम है वो लिखना है, लास्ट नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपका जो ओरिजिनल सारा कुछ आपने देना है। जिस तरह मेरा है जी रिजवान खान, मैं यहाँ पे अपना नेम ओरिजिनल लिख लेता हूँ, ठीक है, खान लिख लिया। उसके बाद यूज़र नेम आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख लेता हूँ जी रिजवान खान 0347। ये देखें ये मैंने लिख लिया। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आपने इनविटेशन कोड लिखना है, जो यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, ये तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना वो वाला इनविटेशन कोड लिखता हूँ जो मैंने पहले से अपनी पाई नेटवर्क पर मैंने बनाया हुआ है अपना अकाउंट, उसका इनविटेशन कोड है। तो आपने भी यही वाला लिखना है, मैं वीडियो के अंदर आप लोगों को शो कर दूंगा। सब लोगों ने यही लिखना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाई नेटवर्क पर अकाउंट तो बना लेते हैं, उसके बाद 24 घंटे में एक बार इसको आपने क्लिक करना होता है, वो अगर आप क्लिक नहीं करते तो आपको आपकी माइनिंग नहीं होगी, आपको इस पर पाई की करेंसी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना वो वाला रेफरल कोड जो होता है इन्विटेशन कोड वो लिख लेता हूँ, रिजवान जदून है 0347, ठीक है, ये वाला लिखना है। अगर आप मेरे रेफरल से बनाते हैं तो ये वाला लिखना है, मेरे रेफरल से आपको ये फ़ायदा होगा, मैं कभी भी अपने इस अकाउंट को बंद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं रोज़ाना के बेसिस पे इसको इस पर माइनिंग करता हूं। रोज़ाना की बेसिस पे जो नहीं करता उसके क्या नुकसान है वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। सबमिट पर मैं क्लिक करूँगा। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन टेंशन नहीं लेनी, सारी चीज़ें तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये देखें ये अकाउंट बन चुका है, अभी मेरे पास देख सकते हैं एक पाई मेरे पास मौजूद है जी। अब गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपने 24 घंटे के बाद इस पर क्लिक करना होता है, ये जो ऑप्शन आपको मिल रहा है ना टैब टू अर्न का, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा स्टार्ट नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट कर देना है, थोड़ी सी देर बाद आपको ये सारे ऑप्शन आएंगे, आपने नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है, ठीक हो गया। अब अगर आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा पियोनियर का, तो अर्न पी आई बाई चेकिंग इन एवरी 24 आवर्स टू शो योर कमिटमेंट टू पाई नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ, बैक करने के बाद यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये देख सकते हैं 24 घंटे के बाद फिर एक बार मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब मैं अपने ओरिजिनल अकाउंट पे आ जाता हूँ, वहाँ पे कुछ ऐसी तफसीलात हैं मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आई होप आपको बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है। इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं अपनी जो पाई नेटवर्क में मेरी कितने पाई हो चुकी हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं जी मेरे पास 34 हुए हैं अभी तक, क्योंकि मैंने इस पे वर्क किया ही नहीं था, बिल्कुल लाइटली मैंने इसको लिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं
मेरे पास जो रेटिंग है और मेरे पास जितने मेंबर को मैंने ज्वाइन करवाया हुआ है कितने हैं जी। इसको मैंने ओपन किया, ये देख सकते हैं हारिस इमरान है, किफ़ायतुल्ला हैं, रिजवान ख़ान है, जो कि अभी मैंने ही ज्वाइन किया है, माइनिंग मेरी स्टार्ट है। तो किफ़ायतुल्ला ने भी मेरे रेफरल से किया था, इसकी माइनिंग अभी ये भी माइनिंग कर रहा है। हारिस अवान जो है इनएक्टिव है जी। अब इनएक्टिव का क्या मतलब है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें, जिस तरह मैंने माइनिंग स्टार्ट की, उधर दूसरी एप्लीकेशन पे मैंने जब क्लिक किया, मुझे 24 घंटे के बाद दोबारा एक बार क्लिक करना होगा। इसी तरह भी हारिस अवान साहब ने क्या किया है, मेरे रेफरेंस से ज्वाइन तो कर लिया है लेकिन एक बार उन्होंने क्लिक किया, उसके बाद अभी तक इनएक्टिव हैं। दोबारा से 24 घंटे के बाद उन्होंने इस एप्लीकेशन को खोल कर एक बार उस माइनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं किया। इस तरह ये इनएक्टिव हैं। आप वो दोस्त बनाएं, वो आप रेफरल बनाएं जो एक्टिव हों 24 घंटे के बाद, एक बार इस एप्लीकेशन को खोल के अपनी माइनिंग स्टार्ट करें। उससे ये होगा आपकी भी रेटिंग बढ़ेगी। मेरे रेफरल से जो भी ज्वाइन करेंगे उनको ये फ़ायदा होगा कि उनको, मैं अपनी माइनिंग बंद तो नहीं करूँगा, उनको ये फ़ायदा होगा उनकी रेटिंग ऊपर जाएगी, उतनी स्पीड से उनको पाए मिलेंगे। ये देख सकते हैं मेरे पास कितने हैं, 3400 हो चुके हैं। ये तकरीबन 10,000 होता है ना, ये जो इनसे चल रहे हैं यहाँ पे, ये 10,000 होता है तो आपको एक पाए मिलता है, ठीक है। तो जब आपके रेफरल ज़्यादा होंगे, आपके जो रेफरल जिन्होंने आपके रेफरल से ज्वाइन किया होगा वो एक्टिव होंगे 24 घंटे, आप वो माइनिंग करते होंगे 24 घंटे के बाद एक बार एप्लीकेशन को खोल कर माइनिंग करते होंगे, तो आपकी ये वाली जो स्पीड है ये ज़्यादा होगी और आपको एक दिन के बहुत ज़्यादा पीआई नेटवर्क मिलेंगे, प्योनियर मिलेंगे। तो यहाँ से ये बात तो आपकी, आपको मैंने क्लियर कर दी। उसके बाद दूसरी मैं एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। अब इसको वेरीफाई करना होता है, वेरीफाई करने के लिए आपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आना होता है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर ये देखें, मुझे ऊपर ये वाले 24 आवर जो आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं। ये मेरा इनविटेशन कोड है, इसको आपने नहीं लगाना, दूसरा जो रिजवान जदून 0347 है उसको आपने मेरे रेफरल से आपने उसको करना है। डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, साथ साथ वीडियो के अंदर भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आपने करना है। उसके बाद अकाउंट वेरीफिकेशन होती है जी, अकाउंट फ़ोन नंबर आपको वेरीफाई करना होता है। इस पर आप, मैंने क्लिक कर दिया है। इस पे क्लिक करने के बाद फ़ोन नंबर को आप किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं, स्टार्ट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, ओपन एसएमएस, यहाँ से इसको फ़िलहाल मैं छोड़ देता हूँ। मैनुअल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो कोड है ना, नीचे मेरा फ़ोन नंबर है, ये जो कोड है, मुझे राइट एसएमएस पर जाकर इस कोड को इस नंबर पर, ये जो ऊपर नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर भेजना होता है, ठीक है। जब मैं इस नंबर पर भेजूंगा, मेरे पास 10 रुपये या 20 रुपये होना लाजमी है। अगर मेरे पास ये 10-20 रुपये नहीं है तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरे ये मैसेज ही सेंड नहीं होगा, मेरा फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद आ जाता है जी फेसबुक वेरीफिकेशन। फेसबुक पे जब आप आएंगे यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फेसबुक की आईडी मांगेगा। यहाँ से मैं जब इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है जी, ऑलरेडी मैंने अकाउंट एक अलाउ किया हुआ है तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है। मैंने आपको पहले बात बताई है, वो आप उस नंबर से करें जिससे पहले आपकी आईडी बनी हुई है। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने आप लोगों को अकाउंट बनाने का तरीका बताया और कुछ बेसिक बताएं। अब आप लोगों के जहन में ये भी बात आ रही होगी कि इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, कि 24 घंटे में एक बार क्लिक करना है और इसका हमें विड्रॉ कैसे मिलेगा। अभी तक इन्होंने पहले इसको जल्दी जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि पहले कुछ मिलियन बिलियन लोग थे जो कि फ्री थे। अब कुछ दिन गुजरेंगे तो इस पर जो लोग आएंगे वो पैसे देकर उनको आना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो ये फ्री चल रहा है तो इसको आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मिलियन जब इसका, ये फेस टू है जी, अभी इसके बाद जब थ्री आएगा तो उसके बाद इसकी माइनिंग बंद हो जाएगी। फिर आपको, अगर आप अकाउंट बनाना चाहेंगे तो इसके अंदर आपको
पैसे देकर अकाउंट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप फ्री में अकाउंट नहीं बना सकेंगे। और भी कुछ इस बारे से क्वेश्चन हो आपके जहन में, KYC के बारे में भी आपने सुना होगा, KYC क्या चीज़ है वो आगे चल के बताऊँगा। वो वेरिफिकेशन आपने अभी नहीं करनी, आपको प्ले स्टोर पर PI नेटवर्क की KYC एप्लीकेशन भी आपको मिलेगी, उसको आपने नहीं छेड़ना, वो एप्लीकेशन ओरिजिनल नहीं है। उसकी किस तरह आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, KYC है क्या चीज़, वो भी आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊँगा। आई होप सो गाइज आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो साथ में मैं आप लोगों को शो कर दूंगा इनविटेशन कोड, नीचे इस एप्लीकेशन का लिंक भी दे दूंगा, आप उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें और उसके बाद अकाउंट बनाएं, रेफरल कोड में मेरा ये कोड आप लिख सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं माइनिंग 24 घंटे करता हूं, 24 घंटे के बाद इसको खोल कर माइनिंग इस पर करता हूं, तो इस पर आप वर्क करें। तो आगे मैं आप लोगों को ये वीडियो भी इस पर बनाऊँगा, इसके आपको क्या फ़ायदे हैं। देखिए जब बिटकॉइन आया था तो 1-2 रुपये का था, अब इसी तरह ये भी एक करेंसी आई है, अभी फ़िलहाल तो 1-2 रुपये 3 रुपये की है, लेकिन कुछ अरसा होगा ये भी लाखों में हो सकती है। आप इस पर आपका क्या जाता है, 24 घंटे आपके पास पैकेज होता है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट रिजवान खान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेकबा।